आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है बहुत सारे मेडिकल एस्पिरेंट्स का, या फिर जो बच्चे प्लस टू के अंदर मेडिकल स्ट्रीम लेते हैं तो उन सभी का यार ड्रीम होता है कि हम डॉक्टर बने। तो यार आपको डॉक्टर बनने के लिए एम्स या फिर पीएमटी का टेस्ट देना पड़ता है। तो आज की इस वीडियो में यार हम बात करेंगे कि आपको एम्स या फिर पीएमटी की प्रिपरेशन कैसे करनी है, इस टेस्ट के अंदर कैसे क्वेश्चंस आते हैं, आपको कैसे स्टडी करना है और कैसे आपको इसके बारे में अच्छे से प्रिपेयर होना है जिससे कि आप एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएँ। दोस्तों अगर आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल बनना चाहते हैं या फिर आप चाहते हैं कि आपको सभी चीज़ों के बारे में नॉलेज मिले तो आप जल्दी से इस वीडियो के नीचे जाकर रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस कीजिए और साथ ही आप इस बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ही मत भूलिएगा, जिसकी वजह से दोस्तों हम आप सभी के लिए जो भी नई वीडियो लेकर आएंगे वह सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगी और आपको नॉलेज गेन करने में हेल्प होगी। सो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बापू क्लासेस। सो लेट्स बिगेन टूडेज क्लास। दोस्तों जब भी हम किसी मेडिकल स्टूडेंट से पूछते हैं कि भाई प्लस टू के बाद आप क्या करोगे तो वो कहता है यार मैं एम्स या पीएमटी की तैयारी करूंगा या फिर मैं एम्स या पीएमटी का एग्ज़ाम दूंगा। तो बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं या उनके पेरेंट्स होते हैं जिन्हें नहीं पता होता कि यार एम्स या पीएमटी का एग्ज़ाम क्या होता है या फिर इसकी तैयारी कैसे करते हैं, या फिर जिन्हें पता होता है कि एम्स या पीएमटी का एग्ज़ाम क्या होता है और इसका सिलेबस क्या होता है, उन्हें राइट वे नहीं पता होता यार तैयारी करने का। तो वो इधर उधर जाकर लोगों से पता करते हैं पर उन्हें कुछ अच्छे तरीके से समझ नहीं आ पाता और वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आज मैं आपके डाउट्स को स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट करूँगा और आपको समझाऊँगा कि आपको कैसे तैयारी करनी है, कौन सी बुक्स पढ़नी है, कितना सिलेबस कंप्लीट करना है, कैसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। तो दोस्तों सबसे पहले हमारे मन में एक क्वेश्चन आता है कि एम्स और पीएमटी है क्या। तो यार अगर हम सिंपल वर्ड्स में बात करें तो ये ड्रीमलैंड होता है एवरी मेडिकल एस्पिरेंट का, मतलब कि जिस भी स्टूडेंट का ड्रीम होता है डॉक्टर बनना या बिकम अ डॉक्टर, तो उसे एम्स या पीएमटी का एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ता है जिससे एस्पिरेंट का कोर्स में एडमिशन हो जाता है। वैसे हम पेड़ से भी मिन पैसे देकर भी कोर्स कर सकते हैं पर यार दोस्तों उस पर खर्च कुछ ज़्यादा आता है। तो आज हम पेट के बारे में बात नहीं करेंगे यार क्योंकि इसके अंदर खर्च ज़्यादा आता है। तो सेकेंडली हम बात करते हैं टाइप ऑफ क्वेश्चंस कि किस टाइप के क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आते हैं। तो यार मेनली टू टाइप के क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आते हैं, फर्स्टली एआर टाइप क्वेश्चंस एंड सेकेंडली एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस। तो दोस्तों अगर हम इसके अंदर टफ लेवल की बात करें तो एमसीक्यू टाइप जो क्वेश्चंस होते हैं वो इतने टफ लेवल के नहीं होते यार, उन क्वेश्चंस को बच्चे फिर भी अटेम्प्ट कर देते हैं और तकरीबन सही ही अटेम्प्ट करते हैं। मेनली जो आपके होते हैं वो एआर टाइप या फिर मैं बोलूँ कि एसेशन रीजन क्वेश्चंस होते हैं, क्योंकि यार वही आपका डिसाइडिंग फैक्टर होते हैं कि आपका सिलेक्शन हो पाएगा या नहीं एम्स पीएमटी के अंदर। और यार ये क्वेश्चन थोड़े टफ लेवल के होते हैं यार, अगर आपके ये सारे क्वेश्चन सही निकल गए तो आपके सिलेक्शन होने के चांस बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों अब आप सभी के माइंड में एक क्वेश्चन ज़रूर आ रहा होगा कि यार ये एआर टाइप या फिर एसेशन रीजन टाइप क्या होते हैं या कैसे होते हैं या क्वेश्चंस कैसे अटैम्प करते हैं। तो यार इन क्वेश्चंस के अंदर आप सभी को एक असेशन गिवन होगा और साथ ही उसके नीचे उसी असेशन का आपको एक रीज़न भी गिवन होगा। तो आपको ये आंसर देना होगा, मतलब कि एमसीक्यू टाइप सा आंसर होगा और आपको इस स्टेटमेंट पर क्लिक करना होगा जो सही होगी। चलो छोड़ो यार, आपको एक एग्ज़ाम्पल लेकर बताते हैं जिससे आपको अच्छे से समझ में आ पाए। तो यार मैं कंसीडर करता हूँ कि हमें क्वेश्चन दिया गया है, उसका असेशन है हमारे पास कि द वेट ऑफ अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी इन अ ग्रेविटेशनल फील्ड इज द मास ऑफ द बॉडी मल्टीप्लाइड बाय द ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी ऑफ दैट फील्ड। तो यार अब साथ ही हमें इसका रीजन गिवन होगा जो इस क्वेश्चन के नीचे होगा। इन सच अ सिचुएशन देयर इज नो रिएक्शनल फोर्स टू अपोज द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो यार अब एक बार हम इसके ऑप्शन को भी देख लेते हैं। फर्स्ट है इफ बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सेकंड इफ बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। थर्ड इफ ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। फोर्थ इफ ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। तो यार आप सोचो कि इसका आंसर क्या होगा। तो इन स्टेटमेंट को स्टडी करने के बाद हम कह सकते हैं कि इसका आंसर फर्स्ट हमारे पास बिल्कुल राइट होगा। तो यार
जो हमारे पास इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं उन्हें हम AR टाइप क्वेश्चंस बोलते हैं। और यार इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होना चाहिए। तो यार अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आया होगा और आपको डर लग रहा होगा कि मतलब अगर कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर नहीं है तो इन क्वेश्चंस को कर पाना बिल्कुल इम्पॉसिबल है, यार अब क्या करेंगे, मैंने तो वो कॉन्सेप्ट स्टडी ही नहीं किया। तो यार यहाँ मैं आपके डाउट्स को क्लियर करते हुए कहना चाहूँगा कि ऐसा कुछ नहीं है यार। हर साल AIIMS और PMT में बहुत से बच्चे मेरिट लेते हैं, वो इनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस को करेक्ट करते हैं। तो अब आप सोच रहे होंगे यार वो बच्चे तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटेलिजेंट हैं, या फिर हम सिंपल वर्ड्स में बोले वो तो बिल्कुल किताबी कीड़े हैं। तो यार ऐसा भी कुछ नहीं है, हम हर साल बहुत सारे बच्चों से मिलते हैं और उनसे पूछते हैं, तो वो इसका मेनली सिर्फ एक ही कारण बताते हैं कि हमने अपनी स्टडी को रेगुलरिटी में रखा, बस थोड़ा सा हार्ड वर्क किया और अपने आप पर भरोसा रखा कि आई कैन एंड आई विल एंड आई कैन अचीव दिस गोल। तो यार ये था पार्ट वन और हम आपके लिए पार्ट टू जल्दी ही लेकर आएंगे। तो यार अगर आपको पार्ट टू मिस नहीं करना है जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस वीडियो को लाइक करें और हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो आपको जल्दी ही मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।